रामचरितमानस गान। दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। जोगु पति पद सुमिर तजेउ सब भोगु नित नव चरण उपज अनुरागा बिसरी देह तपही मनु लागा संबत सहस मूल फल दिन भोजन बारी बतासा किए कठिन कछु दिन उपवासा बेल पाती मही पर सुखाई तीन सहस संबत सोई खाई पुनि परिहरे सुफल तब सुनो गिरिराज कुमार परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरारी अस तप काहुन केन भवानी भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी सत्य सदा संतत सुचि जानी आ
अवे पिता बोलावन जब ही हठ पदि हरि घर जाए हूँ तब ही मिलही तुम्हें जब सप्तऋषि सा जाने हूँ तब कमान बागीसा सुनत गिरा विधि गगन बखानी पुलक गात गिर जा हर खानी उमा चरित सुंदर में गावा सुनहु शंभु कर चरित सुहावा जब ते सती जाई तनु त्यागा तब ते शिव मन भयउ बिरागा जप ही सदा रघुनायक नामा जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा चिदानंद सुख धाम शिव विगत मोह मद बिच रही महि धरि हृदय हरि सकल लोक अभिराम कतहु मुनि ने उपदेश ही ज्ञाना कतहु राम गुण करहि बखाना जदपि काम तदपि भगवाना भगत विरह दुख दुखित सुजाना राम पद प्रीति नेम प्रेम संकर कर देखा अभी चल हृदय भगति के रेखा प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूप सील निति तेज विशाला बहु प्रकार संकर ही सराहा तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा बहु विधि राम शिव ही समुझावा पार्वती कद जन्म सुनावा अति पुनीत गिरिजा के करनी बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी अब बिनती मम सुनहु शिव जाऊ मो पर निजने जाई विवाह हु सैल जही यह मोहि मांगे दे विविध भारती से आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। रामचरितमानस गान।